हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के आगामी 2022 में जो आपका एग्ज़ाम है, तो आपका मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी कर लिया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों को वीडियो शेयर कर देंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है, ठीक है, यानी विच ऑन ऑफ दी चीज हैप्लॉइड। तो इनमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है डीम, दूसरा है युग्मनज, तीसरा है अध्यावरण, चौथा है न्यूसेलस। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है फ्रेंड। तो इनका राइट आंसर की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, कौन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी डीम हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ध्यान से देखिए, एक एलील है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक एलील है, इनमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है। तो एक एलील है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा जीनों के, है ना, वैकल्पिक प्रकार, ठीक है, एलील जो है जीनों के वैकल्पिक प्रकार है। चलिए आपको तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह कहलाता है, ठीक है, आपस में जुड़े श्रृंखला यानी आहार श्रृंखला का समूह क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है आहार चक्र, दूसरा है आहार कॉम्प्लेक्स, तीसरा है आहार जाल, चौथा ऑप्शन दिया हुआ पोषी स्तर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आहार जाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आहार जाल, यानी गो विल बी दी राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कवक एवं उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच बनने वाली सहजीवी संबंध को कहा जाता है। इनमें चार ऑप्शन है, पहला है हार्मोस, दूसरा है माइक्रोराइजा, तीसरा है लाइकेन, चौथा है जैव विविधता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा, यानी माइक्रोराइजा, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसका आंसर जो है कमेंट में दीजिए, कमेंट में देने से आपको एग्ज़ाम तक जो है प्रिपरेशन मजबूत होगा, याद भी काफ़ी दिन तक रहेगी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, जेम्यूलस पाए जाते हैं, ठीक है, जेम्यूलस पाए जाते हैं, इनमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो जेम्यूलस कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स, स्पंज में, कहाँ, स्पंज में, यानी कौ विल बी दी राइट आंसर। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है। अगर एक सामान्य मनुष्य एक लकड़ी जो हीमोफीलिया की कैरियर से शादी करता है तब, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें चार ऑप्शन आप दिया हुआ है, तो इनका राइट आंसर की मैं बात करूँ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, यानी कि 50% पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे, 50% पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। एक आहार श्रृंखला में सहकारी है, ठीक है, एक आहार श्रृंखला में सहकारी है, इनमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता, चौथा है अपघटक। तो सात नंबर का जो राइट आंसर की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। एक आहार श्रृंखला में सहकारी जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक है, यानी कि आपका ख नंबर विल बी द राइट आंसर। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है, ठीक है, इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत के में उपयोग होता है। बहुत आसान सवाल है फ्रेंड्स, इसमें चार ऑप्शन है, पहला है जीवाणु, दूसरा है यीस्ट, तीसरा है साइनोबैक्टीरिया, चौथा ऑप्शन है कवक। तो फाइनली आपको इसका राइट आंसर कमेंट में देना है। तो राइट आंसर की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, साइनो बैक्टीरिया हो जाएगा। VBI बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोमी पाया जाता है। पहला ऑप्शन है धतूरा में, दूसरा ऑप्शन है पेटूनिया में, तीसरा है कोमिलिना में, चौथा है ग्लेडियोलस में, ठीक है, ग्लेडियोलस में। तो इनमें से किस पौधे में
क्लिस्टोगैमी पाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, कोमिलेना में। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कोमिलेना में। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है। ठीक है, डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है तो उसे क्या कहेंगे, सिस्ट्रॉन या ट्रांसपोजोन्स या एक्सॉन या इंट्रॉन। इनमें चार ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसपोजोन्स। क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजोन्स, यानी कि खो विल बी दी राइट आंसर। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे इसमें क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11th में, एक, ठीक है, एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारक हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारण हैं। इनमें चार ऑप्शन दिया हुआ है तो इनका आपको राइट आंसर फाइनली चूज करना है। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, घव नंबर, यानी उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। ठीक है, घव विल बी दी राइट आंसर। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है। बहुत ही आसान सवाल है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूँ तो आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्योंकि बहुत आसान सवाल है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। लीची का खाने वाला भाग है। इनमें चार ऑप्शन दिया हुआ है तो इनका राइट आंसर आपको बताना है। तो लीची का जो खाने वाला भाग होता है, ठीक है, तो उनका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा एरिल। क्या हो जाएगा, एरिल। तो फ्रेंड्स वीडियो को मैं यहीं तक रोक रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो रहा है। आशा करता हूँ कि जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताया समझ में आ गया होगा। ये मैं टॉप जो है 13 क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह VVI इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन सब हम सेलेक्ट करके आपके रूप में प्रस्तुत करेंगे और आपको इस चैनल में लाइव क्लास भी बिहार बोर्ड 10th का टोटल सब्जेक्ट का मिलेगा। सो इस चैनल को अभी से आप सब्सक्राइब करके दोस्त में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।